यहाँ CH3 और यहाँ NO2, ये दिया था पहला सवाल होमवर्क में, ठीक है। अब इसको करना है, अपने को इसमें देखना है क्या होगा। तो NO2 ग्रुप नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, वो खींचेगा अपनी ओर, और CH3 डोनेट करने वाला ग्रुप है, पिछली क्लास में बताया था, CH3 डोनेट करेगा, NO2 इस तरफ खींचेगा, CH3 डोनेट करेगा, NO2 अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। CH3 कहाँ खींच रहा है? नीचे, ये वाले सवाल में। NO2 भी कहाँ खींच रहा है? नीचे। दोनों नीचे जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ये वाले केस में, है ना। इधर CH3 कहाँ भेज रहा है? नीचे। और NO2 किधर खींच रहा है? इस तरफ। तो ऐसा एरो डाल देंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। इधर CH3 कहां खींच रहा है? नीचे। और NO2 कहां खींच रहा है? देखो उस तरफ, उस तरफ। तो इस तरफ एरो डाल देंगे, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक। बोलो भैया सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ये वाला 0 डिग्री है, साथ में खींच रहा है, कैंसिल नहीं करेंगे, ऐड हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा ऐड होगा और ये वाला बहुत कम ऐड होगा, सबसे ज्यादा। ऐसे भी याद रख सकते हो, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसका थीटा कम है तो इसका म्यू ज्यादा होगा, थीटा बढ़ गया, थीटा सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3 और यहां CH3, ये वाला कहानी, ठीक। अब आ जाओ भैया, ये CH3 कैसा ग्रुप है? देने वाला ग्रुप है, ये नीचे देगा, ये भी नीचे देगा, ये CH3 नीचे देगा और ये इधर देगा। अरे यार इधर दूसरा रंग लेना था ना, खैर चलो कोई बात नहीं। ये CH3 इधर देगा और ये CH3 इधर देगा, तो मैं इधर साइड में बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नीचे जगह नहीं है मेरे पास। पहले वाले में पहला CH3 कहाँ दे रहा है? नीचे। दूसरा CH थोड़ा इधर कर ले यार, इसको मिटा देता। पहला CH3 कहाँ दे रहा है? नीचे। दूसरा CH3 कहाँ दे रहा है? उस तरफ, उस तरफ। तो अपन इसको ऐसा बना देंगे, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक। पहला CH3 कहां जा रहा है? नीचे। दूसरा CH3 कहां जा रहा है? ऊपर, ऐसा। तो इसको यहां से बना देंगे ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, नीचे और ये इधर, ठीक है, नीचे और ये ऊपर, ठीक है। ये वाला, ये किधर जा रहा है भैया? एक नीचे जा रहा है ये वाला, और ये वाला ऊपर जा रहा है, नीचे और ऊपर। यह एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक। एक नीचे जा रहा है, एक ये वाला नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। फिर से म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यहां थीटा कब सबसे कम है, इसका म्यू सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा पोलर होगा फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड, ठीक। अगला वाला, तो ये वाले क्वेश्चन में यहां तो कोई CL नहीं लगा है, और कोई CL नहीं लगा है, तो इसका डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू कितना आएगा? 0, इसका 0 हो जाएगा। ये वाले केस में एक ऊपर है और एक नीचे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिए, यहां पर भी म्यू इक्वल टू 0, ऊपर है और नीचे, कैंसिल कर देंगे। ये वाले केस में एक ऊपर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, CL अपनी ओर खींचेगा। यहां जब डायरेक्शन, इसको फ्री बॉडी डायग्राम जैसा कुछ बनाएंगे अपन, तो ये तीनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 120 डिग्री। तो फिर ये तीनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को फिर से कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो इसका भी म्यू क्या आएगा? 0। तीनों का म्यू 0 है, इसलिए तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, तीनों इक्वल। इधर एफ है और इधर एच है, हाँ। और ये हो गया सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर CH3 है, और अच्छा दोनों इधर, दोनों एफ है, इधर एक एफ है और इधर एक एच, ठीक। ये वाला सवाल है, अगला वाला। अब भैया ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या देखेंगे अपन? कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है? फ्लोरीन तो गंदा आदमी है ही, बहुत गंदा आदमी, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी और इधर, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी और इधर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नॉन पोलर मानते हैं, इनमें डायपोल मोमेंट देखने की जरूरत नहीं। अगर हाइड्रोजन लगा है तो उसको भूल जाओ, कोई काम का नहीं। CH3 क्या करता है? CH3 देता है, तो ये CH3 देगा इधर और ये CH3 देगा इधर। अब ये वाले में देखो, एक CH3 का मोमेंट इधर जा रहा है और एक F का मोमेंट उधर जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। दोनों कैसे जा रहे हैं? अपोजिट जा रहे हैं, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी नहीं,
कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। ठीक, इधर आ जाओ, सी एच थ्री भी उधर जा रहा है, एफ भी उधर जा रहा है, दोनों एडिटिव है, म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक, यहां लगा है वन पे सीएल और यहां लगे हैं दो सीएल, ये वाला सवाल है, वन पे सीएल और फिर दो सीएल लगे हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन। देखो भैया कैसे करेंगे अपन लोग, इसमें इसमें एक सीएल लगा है, इधर एरो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट आएगा म्यू आर वो एक के बराबर आएगा, म्यू के बराबर। ठीक है, यहां दो लगे हैं, ये भी म्यू और ये भी म्यू, दो मान लेता हूं। ठीक, लेकिन ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू था, तो ये जो म्यू आर रिजल्टेंट आया इसमें एक ही के बराबर है, इसमें दो है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री। अगर मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊं फिजिक्स वाले गुरुजी जो बताए, म्यू आर बराबर म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो दोनों वेक्टर बराबर है, तो मैं इसकी जगह लिखने वाला हूं म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस टू म्यू स्क्वायर, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, मेरे से मत पूछना, बताओ कॉस 120, मेरे सही में नहीं पता, माइनस हाफ होती, तो ये माइनस हाफ लगा दिया मैंने। ठीक, माइनस हाफ लगा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, माइनस होता है क्या, नहीं माइनस आ जाएगा। ठीक सही, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, क्या हो जाएगा, अंडर रूट बोलो टू म्यू स्क्वायर यहां पर, और ये माइनस लग जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर। मेरा थोड़ा देखो भाई फिजिक्स थोड़ा सा कमजोर है यार, है नहीं तो फिजिक्स कौन नहीं पढ़ाना चाहता, बढ़िया सब्जेक्ट है, फीस भी ज्यादा मिलती है ना। टू म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर, म्यू रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, म्यू के बराबर। कि अगर दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री, अरे मेरी चाय आई, दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे हो, दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे हो तो दोनों का रिजल्टेंट किसी एक के बराबर आता है, और वो दोनों के बीच यहां कहीं पे आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं पे आएगा, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आएगा म्यू आर, ये जो म्यू आर है वो दोनों में से एक के बराबर होगा। ठीक, दोनों के बीच में एंगल यहां बना लेना साइड में 120 डिग्री का है, इसका भी म्यू रिजल्टेंट म्यू के बराबर आया, इसका भी म्यू रिजल्टेंट म्यू के बराबर आया, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, अगले वाले में मेरे ख्याल से तीन होंगे अब, ये है पहला और ये है दूसरा। ठीक है, ये लगा है। अब भैया ये वाले में देखो इसमें कैसा जा रहा है वेक्टर, इसमें वेक्टर जा रहा है ये ऊपर की ओर, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, मतलब ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये नीचे जाएगा, और एक जा रहा है नीचे की ओर। ठीक है, अब आप चाहे जैसा देखना चाहो वैसा देख लो, मेरे को नजर आ रहा है ये एक दो और तीन, ये तीनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर। तो यहां जो रिजल्टेंट बचेगा वो केवल एक म्यू के बराबर बचेगा, बचेगा। इस वाले में देखो कैसा एंगल आ रहा है, इसमें ये मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये इधर साइड में जा रहा है और ये इधर नीचे जा रहा है, ये दो हो गए और एक ये वाला हो गया। ठीक, अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला म्यू हो गया, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, म्यू के बराबर आएगा दोनों का रिजल्टेंट, और सेम डायरेक्शन में आएंगे बीच में, तो यहां जो फाइनल म्यू रिजल्टेंट आएगा वो टू म्यू के बराबर आएगा। समझ आया क्या, ये दोनों का रिजल्टेंट एक के बराबर आएगा म्यू के बराबर इसी डायरेक्शन में, ये वाला और एक जो रिजल्टेंट आया दोनों एड कर दोगे तो टू म्यू हो जाएगा, यहां म्यू रिजल्टेंट म्यू है, यहां म्यू रिजल्टेंट टू म्यू है, तो ये वाला जीत जाएगा। ठीक है जी, कितने हो गए, अच्छे हो गए सारे, और था होमवर्क, चल इसको मिटा देता हूं, ध्यान रखना भैया है, ये भैया ये फिर से बनाना घर पे, जिनसे एक भी नहीं बनाना वो लोग फिर से ट्राई करना, बन जाएगा, बहुत इजी है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। N2F2, N डबल बॉन्ड N, एक F,
एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, दिस इज ट्रांस एन टू एफ टू, ट्रांस है, और एक एन डबल बॉन्ड एन, एक एफ दूसरा एफ, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, दिस इज सिस एन टू एफ टू, एक सिस एन टू एफ टू, एक ट्रांस एन टू एफ टू। इस केस में क्या होगा, ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, ये भी दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, सब कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां म्यू रिजल्टेंट बराबर आएगा जीरो, ठीक, फाइनल म्यू बराबर जीरो आएगा। ये वाले केस में ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, सब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं होगा, काटेंगे लेकिन पूरा नहीं काट पाएंगे, यहां जो म्यू रिजल्टेंट आएगा ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा और एन टू एफ टू जीत जाएगा, ठीक है, सिस वाला, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है जी, हो जाएगा। अब यहां तक के बेटा इजी सवाल थे, अब मैं कुछ थोड़े उल्टे सीधे सवाल कराने जा रहा हूं, उल्टे सीधे सवालों की लिस्ट में सबसे पहला सवाल है, आ जाओ भैया शुरू हो जाओ, यहां सीएल लगा, यहां सीएल लगा, यहां OH लगा है और यहां OH लगा है, ये वाला सवाल करना है, करके बताएंगे, दिमाग लगा के पहले इतना नोट कर लो, फिर करके बताएंगे इक्वल है, कौन ज्यादा है, कौन कम है, क्या है, कैसा है, क्यों है, किस लिए है, एक्सेप्शनल केस है, कैसे होगा देखना। यहां CL है, यहां भी CL है, एक दूसरे कैंसिल कर देगा, म्यू बराबर जीरो, इसमें तो आता है अपन जब से करते आ रहे, लेकिन ये जो OH है ना ये थोड़ा अलग टाइप का केस है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, इसमें ना ये बेंजीन रिंग के अंदर एक नया फिनोमिना होता है जो आपने अभी तक के पढ़ा नहीं है, पढ़ोगे आप आगे, इसी साल है आपके सिलेबस में, एक नया फिनोमिना होता है जिसको कहते हैं अपन लोग रेजोनेंस, क्या कहते हैं रेजोनेंस, अरे यार कैसा कर दिया मैंने, गंदा बना दिया पूरा, ठीक, रेजोनेंस है जो इस साल पढ़ोगे, OH है ना ये। अब रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में ये जो लोन पेयर है ये अंदर कुछ करने चला जाता है, फिलहाल के लिए ऐसा ध्यान रख लेना, तो इस वाले केस में ये वाला लोन पेयर अंदर चला गया, इधर से नहीं भेजता मैं इसको, इधर से भेजता हूं, इधर जगह चाहिए मेरे को, ये लोन पेयर अंदर चला गया कुछ कुछ करने के लिए, क्या करने गया वो बाद में समझेंगे, ये वाला लोन पेयर भी अंदर चला गया कुछ कुछ करने के लिए, क्या कुछ कुछ करते हैं वो बहुत डिटेल्ड है, लंबा चौड़ा कहानी हो तब पढ़ेंगे। एक एक लोन पेयर रेजोनेंस करने चला गया, और यार ये मैंने गलत बना दिया, उल्टा बनाया, रुको इसको मिटा दो, ढंग से बना दो तब बनेगा ना, मेरा ध्यान नहीं रहा, चाय आ गई थी ना, चाय पीने में ज्यादा ध्यान हो गया था, ओ एच, ओ एच ऐसा, ये और ये, ठीक, एक एक लोन पेयर अंदर चला जाएगा, ये लोन पेयर अंदर चला गया, ये लोन पेयर अंदर चला गया रेजोनेंस करने के लिए, एक एक लोन पेयर बच जाएगा, एक लोन पेयर बच गया यहां इस टाइप से, और एक लोन पेयर बच गया यहां इस टाइप से, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है इसलिए साइड में दिख रहा है, नहीं तो एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल के ये लोन पेयर पीछे की ओर होगा ऐसा ऊपर, और ये लोन पेयर पीछे की ओर होगा ऐसा नीचे, नीचे की ओर है ना, एक ही डायरेक्शन पे है दोनों, बाकी सब चीजें तो कैंसिल हो गई लेकिन ये लोन पेयर का मोमेंट बच जाएगा, और इस लोन पेयर के बचे हुए मोमेंट के कारण इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, इसको याद रखना है, ये एक्सेप्शनल केस बोल लो कुछ भी बोल लो, इसका जीरो नहीं होता, दिखता है जीरो मगर जीरो होता नहीं, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और इसका डायपोल मोमेंट कम है, इसको ध्यान रखना भैया, ठीक है, एक्सेप्शनल केस मान लो, यहां लोन पेयर बच जाएगा, ये जो लोन पेयर है दोनों लोन पेयर सेम साइड में होंगे और सेम साइड में होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसल नहीं कर पाएंगे, इस वजह से बच जाएगा, ठीक, ये हो गया। अगला एक और है, ये भी आपको याद रखना है, मेरे पास में है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, एक्सपेरिमेंटल बोल लो चाहे कुछ बोल लो, इसको याद रखना, अगला वाला भी जो मैं बता रहा हूं, ठीक। अब इसमें क्या है,
इसमें CCl4 चार Cl लगे होंगे, चार Cl लगे होंगे, और चार Cl के लगे होने के कारण ये चारों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो ऐसे केस में म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगा। यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा, यहां एक Cl बचेगा, यहां दो Cl है, यहां तीन Cl है, एक Cl का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, दो Cl हो जाएंगे जब, एक Cl दूसरा Cl, एक H दूसरा H, ये दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इससे कम आएगा। जब मेरे पास तीन Cl हो जाएंगे, एक Cl दो Cl तीन Cl और H, तो तीन Cl का रिजल्टेंट और कम आएगा, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक, और इसका तो जीरो हो जाता है। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा CH3Cl का, दूसरे नंबर पे CH2Cl2, तीसरे नंबर में CHCl3, और सबसे कम होगा CCl4। इसको रट के रखना है, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि CCl4 का जीरो होता है और बाकी फिर पूरा ऑर्डर में ही है। जैसे जैसे ये तो CCl4 का जीरो आसानी से निकाल सकते हैं अपन, कोई तकलीफ नहीं है, चारों एक जैसे लगे, यहां अलग अलग है, तो मैंने ऐसे याद रखा इसका जीरो है, बाकी इसका सबसे ज्यादा, वो फिर वो ऑर्डर बना लो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर में कई बार पूछ चुका है, ठीक। चलो ये दोनों को नोट करो, और जिनका हो जाएगा वो मेरे को PF2Cl3 और PF3Cl2 में डायपोल मोमेंट कंपेयर करके दिखाएंगे। किसी को पूछना है पूछ लो भैया, इसमें एज सच कोई एक्सेप्शन नहीं था, मगर कई बार फिर बच्चा पूछता है कि सर आप कंपेयर करके निकाल के दिखाओ क्या रिजल्टेंट आ रहा है, तो वो नहीं निकाल सकते, पर है याद रखना ऐसा होता है। मतलब आप मेरे को बोलोगे कि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, चूंकि एग्जैक्ट एंगल्स मेरे को पता नहीं। इस वाले केस में मेरे को एंगल पता है, सारे एंगल बराबर होंगे, लेकिन यहां सारे एंगल बराबर नहीं होंगे, ये एटम बड़ा है, ये एटम छोटे हैं, तो बड़े छोटे आइटम होने के कारण एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, तो वहां डिटेल तक नहीं जाना, अपने को याद रखना एक ठोक होगा सीएल सबसे ज्यादा, जैसे जैसे सीएल इसमें जीरो होगा, बस यही से कर लेना, इसमें जीरो है उधर सबसे ज्यादा होगा, सिंपल हो जाएगा। तो PF2Cl3 PF3Cl2 ये करके दिखाएंगे, दिमाग लगाएंगे इसमें, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसा होगा। देखो भैया पूरा लिख लिया होगा, मैं मिटाता हूं फिर बताऊंगा, ज्यादा जगह लगेगी इसमें। PF2Cl3 PF3Cl2 ये बोल रहा है ना, सबका अपना अपना सोचना है अलग अलग, आपको मैं आंसर दिखाऊंगा तो आप लोग तो सब प्राइवेटली भेजते हैं, किसी के आंसर में ये ज्यादा है, किसी के आंसर में ये ज्यादा है, अलग अलग आ रहे हैं आंसर, अभी बहुत लोगों ने भेजा भी नहीं, तो क्यों ऐसा हो रहा है, अपने क्यों नहीं समझ में आ रहा। अच्छा अपने को ये तो समझ में आ गया कि इस केस में फास्फोरस के पांच बॉन्ड बनने, वो कैसे भी बने, फास्फोरस पांच बॉन्ड बनाएगा, दो फ्लोरीन के साथ और तीन सीएल के साथ, है ना, तीन, अरे यार क्या बना दिया, तीन पांच, समझ आ गया ना, पांच बॉन्ड बनेगा पहले वाले केस में। अब पांच बॉन्ड यानी पांच सिग्मा, पांच ही इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के आउटर मोस्ट में, पांचों बॉन्ड बना लेगा जीरो लोन पे, टोटल पांच, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d, ठीक है, sp3d का शेप होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल, क्या होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है, ठीक। तो अब मैं इसको ट्रायगोनल बायपिरामिडल बनाने जा रहा हूं, फास्फोरस एक क्लोरीन, ए सॉरी अच्छा नहीं बनाया, फास्फोरस बाप क्या हो गया आज, फास्फोरस पहला फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन तीसरा क्लोरीन, मैंने ऐसा बना दिया, ठीक। ऐसा क्यों बनाया मैंने, ये दो बॉन्ड बड़े क्यों बनाए, क्योंकि इसमें एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं, इस वजह से मैंने इसको कुछ इस तरीके का बनाया। कुछ लोगों ने ऐसा बनाया होगा, जिन लोगों ने ऐसा बनाया उनके केस में इसका डायपोल मोमेंट जीरो आ रहेगा, क्यों जीरो आएगा, ऊपर वाला नीचे वाले को, ऊपर नीचे वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चूंकि ये लोग 120 डिग्री के एंगल में, तो इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो आ गया।
फिर किसी ने ऐसा बना लिया, यहां पर दो सीएल है, तीन फ्लोरीन है, तो सिमेट्रिक ध्यान में रखते हुए मैंने दोनों सीएल यहां बना लिए और तीनों फ्लोरीन यहां बना लिए। ऐसे केस में ऊपर वाला नीचे वाले कैंसिल कर लेगा और ये तीनों एक दूसरे कैंसिल कर लेंगे, तो मैंने इसका भी म्यू जीरो बना लिया, इसका भी म्यू जीरो बना लिया, दोनों इक्वल हो गए। अरे ये तो किसी का नहीं आया, मेरा भरा है, ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने ऐसा बनाया इसको कि मैंने जैसे फॉस्फोरस ऊपर रखे तो किसी ने क्लोरीन ऊपर नीचे रख लिए और फिर ऐसे तीन फ्लोरीन रख लिए, तीन नहीं दो ही फ्लोरीन है ना, तो दो फ्लोरीन यहां रख दिया और एक क्लोरीन यहां रख दिया। अगर मैं ऐसा रख दूं तो ऊपर वाला नीचे वाले कैंसिल कर देगा, लेकिन ये तीनों नहीं कर पाएंगे कैंसिल, तो ऐसे केस में म्यू नॉट इक्वल टू, मतलब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले जीरो आ रहा था, अब अभी क्या चल रहा है, जीरो नॉन जीरो, ऐसे नहीं समझ आएगा। तो क्या है इसके पीछे कहानी, तो अपन लोग समझेंगे। आओ जरा इसको सबको मैं मिटा लेता हूं। अपने को बस ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने बनाया ना, अगर मेरे पास पीसीएल फाइव होता, पांचों सीएल होते, तो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर पीएफ फाइव होता तो उसको बोलते फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, क्लोराइड या फ्लोराइड। इसमें अपने पास दोनों है, दोनों है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं मिक्स्ड हैलाइड, मिक्स्ड हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का मिक्स्ड हैलाइड। फॉस्फोरस के मिक्स्ड हैलाइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी निकली, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन निकली। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखाई थी मैंने, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली इक्वल एनर्जी टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड एग्जैक्टली सेम एनर्जी। मिक्सिंग का प्रोसेस, मिक्स करके सबको बराबर कर देते हैं। लेकिन अभी जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें आप लोगों ने अभी देखा कि इसके एक्सियल ऑर्बिटल बड़े होते हैं, इक्विटोरियल ऑर्बिटल छोटे होते हैं, एक्सियल वाले बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो क्या यहां सब एक बराबर साइज के बन पाए क्या, नहीं। तो ये प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, दिस इज मिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलते हैं मिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, एक हाइब्रिडाइजेशन हो रही sp2 और एक हाइब्रिडाइजेशन हो रही pd, बांट दिया मैंने sp2 और pd। अब आप बोलोगे वाई sp2, आपने सर sp और p2d क्यों नहीं बांटा, भाई sp3d में आप ऐसा भी तो बांट सकते थे, sp और p2d आपने ऐसा क्यों नहीं बांटा, तो वो मैं बता रहा हूं क्यों नहीं बांटा। sp2 कैसा होता, sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। और अगर आप देखोगे इसको, तो ये कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो बीच वाला रीजन है, ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये वाले, ये इक्विटोरियल जो बॉन्ड्स है, हरे रंग से बनाया मैंने, दिख नहीं रहा है ना, लाइट हो गया। ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये वाला हिस्सा कैसा है, यह है ट्राइगोनल प्लेनर, और फिर ऊपर और नीचे डंडी लगने के कारण ट्राइगोनल बायपिरामिडल बन जाता है। बीच वाला हिस्सा ट्राइगोनल प्लेनर है, यह है इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये जो sp2 वाला हिस्सा है, ये कौन सा है, ये है इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो pd बच गया है, p और d, ये कौन से बॉन्ड है, ये है एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक। इक्विटोरियल बॉन्ड्स में अगर मैं एक चीज निकालने जाऊं जिसको कहते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, बहुत बड़ी चीज है परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो यहां पर तीन ऑर्बिटल है कुल, एक एस और दो पी, इसमें एस का परसेंटेज कितना होगा, 1/3 × 100, यानी कह लो करीब करीब 33%, 1/3 × 100, तीन में से एक एस है। यहां पीडी है, और पीडी की बात करूं तो मैं इसमें एस नहीं है, और एस नहीं है तो यहां परसेंटेज एस करेक्टर होगा 0%, यहां 0% एस करेक्टर, ठीक है जी, समझ आ गया ये। अब एक वो मूवी देखी क्या, एक मूवी आई थी बहुत साल पहले,
मूवी का नाम था सत्ते पे सत्ता। अमिताभ बच्चन के जवानी के दिनों की पिक्चर है, मतलब जब अमिताभ बच्चन जवान हुआ करते थे। आजकल अमिताभ बच्चन 70 साल के हो गए, और जब जवान हुआ करते थे उनके जवानी के समय की पिक्चर है सत्ते पे सत्ता। ये ना मतलब 7 भाइयों की कहानी है जिनके माँ बाप नहीं रहते, लेकिन इनके पास एक बड़ा फार्म हाउस टाइप का सॉर्ट ऑफ खेत वेत होता है बड़ा बड़ा, उसमें एक इनका घर रहता है बीच में, और बाकी इन्होंने घोड़े और पता नहीं मुर्गी पुर्गी पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें पाल रखी। 7 भाई, 7 भाई में से सबसे बड़ा भाई होता है अमिताभ बच्चन, है ना। वो पिक्चर किसी ने देखी हो नहीं देखी हो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये 7 के 7 भाई जानवर, चूंकि इनके घर में मम्मी नहीं है पापा नहीं है कोई बहन नहीं है कंट्रोल करने के लिए, तो ये 7 के 7 भाई जानवर। जानवर मतलब भयंकर खाएंगे, बहुत बढ़िया पिक्चर है कभी देखना। एक भाई ने बोल रहा है देखिए सर करके, सबने नहीं देखी होगी खैर, लेकिन देखना अच्छी पिक्चर है कभी, या मम्मी पापा से पूछना, बहुत मस्त पिक्चर, खूब कॉमेडी, खूब हंस हंस पागल हो जाओगे। तो वो वाली मूवी में 7 के 7 ऐसे मतलब बिल्कुल नहाते नहीं है, कपड़े नहीं बदलते, वैसे ही पड़े रहते, बिल्कुल लिटरली जानवर बिल्कुल। तो उसमें अमिताभ बच्चन थोड़ा बड़ा रहता, सबसे बड़ा अमिताभ बच्चन रहता है, और अमिताभ बच्चन थोड़ा ढंग का है क्योंकि वो हीरो है पिक्चर का, तो ढंग का ही रहेगा। अब एक सीन है उसमें, उस सीन में क्या होता है, टेबल लगा है बड़ा, टेबल के ऊपर खाना वाना सजा हुआ है, बहुत आइकॉनिक सीन है उसका, मतलब मैंने एक बार देखी मेरे को आज तक याद है वो सीन। तो वो बढ़िया खाना वाना लगा हुआ है, और 6 भाई जो है, 6 भाई छोटे, अमिताभ बच्चन बड़ा, बाकी के 6 भाई बैठ के इंतजार कर रहे, बैठ के मतलब खड़े होके जैसा भी पागल, घूम घूम के इधर से उधर, कब आएगा कब आएगा, चूंकि बड़ा भाई है, बड़ा भाई को इज्जत देते हैं, जब तक बड़ा भाई नहीं आएगा तब तक खाना नहीं खाएंगे। फिर उधर से अमिताभ बच्चन आता है बिल्कुल छोले टाइप का, ठाक 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 ठाक, अपना आएगा चल के। अमिताभ बच्चन आता है इत्मीनान से, अपनी प्लेट उठाता है, पहले वाले बर्तन का ढक्कन खोलता है, थोड़ी सी सब्जी लेता है, फिर रोटी लेता है, 2-4 दाल लेता है, चावल लेता है, जो भी लेना होता है, अपनी पूरी थाली सजाता है, और थाली सजा के कुर्सी का जो टेका होता है ना जिसमें पीछे टिकते हैं, लकड़ी की स्कूल वाली चेयर होती है जिसमें पीछे टिकते हैं, तो उसके ऊपर बैठता है, और जहां पर अपन बैठते हैं वहां पैर रखता है, समझ, बहुत बढ़िया मतलब सीन है। बैठ के पूरा तैयार हो जाता है, हाथ में ऐसे थाली रखता है, वहां बैठता है ऐसे, और सीटी बजाता है, और जैसे ही वो सीटी बजाता है भाई साहब, आपको वहां देखने लायक सीन है, जैसे ही सीटी बजाता है बाकी के 6 भाई कुत्तों जैसे टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर, एकदम पागल जैसे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, छीना झपटी जैसे केक की होती है ना बर्थडे में, वैसी टूट पड़ते हैं। क्योंकि वो बड़ा है उसकी सब लोग इज्जत करते, सबसे पहले वो अपनी जगह चुन लेता है, ठीक वैसे ही कुछ यहां पर भी है। यहां पर अपने पास में PF2Cl3 फॉस्फोरस अपनी बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा सबसे गंदा आदमी यहां, मतलब जो बोलते हैं ना पावरफुल आदमी, फॉस्फोरस को तो देखो जोड़ना है, जो आ जाए उससे जुड़ जाएगा, यहां पावरफुल आदमी कौन है, फ्लोरीन, आप भी जानते हो ये गुंडा है, तो सबसे पहले तो फ्लोरीन की चलेगी, फ्लोरीन अपना आएगा, फ्लोरीन ने देखा एक्सियल वाला ऑर्बिटल, एक्सियल वाले ऑर्बिटल में देखा एस करेक्टर 0%, फिर उसने इक्विटोरियल वाला ऑर्बिटल देखा, वहां एस करेक्टर 33%। फ्लोरीन ने सोचा मैं जुड़ूंगा, फ्लोरीन हूं मैं जुड़ूंगा, तो मेरा काम क्या है, मेरे को इलेक्ट्रॉन खींचना है, अगर मैं यहां जुड़ता हूं तो फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 33% एस करेक्टर, अगर मैं यहां जुड़ता हूं तो फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 0% एस करेक्टर। अच्छा, एस जो है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, और न्यूक्लियस के करीब होता है मतलब इस वाले में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा और इस वाले में न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, मेरे को तो खींचना है, और मेरे को खींचने में आसानी कहां होगी, जब इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के न्यूक्लियस से दूर होगा, समझ में आ रही बात, तो मैं यहां जुड़ना पसंद करूंगा फ्लोरीन होके, क्यों, क्योंकि मेरे को यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने में आसानी होगी, क्योंकि यहां पर परसेंटेज एस करेक्टर कम है, यहां पर कौन जाएगा बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि यहां पर एस करेक्टर कम है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना आसान होगा, तो फ्लोरीन यहां चला गया पहले नंबर का, दूसरा फ्लोरीन यहां चला गया, बैठ गया, सीटी बजाई, तीनों फ्लोरीन क्लोरीन टूट पड़े, अब मजबूरी है यहीं जुड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, समझ में आई बात। अब बात करते हैं अपन PF3Cl2 की, इसमें भी फास्फोरस अपनी बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, सबसे पहला फ्लोरीन ऊपर चला गया, फ्लोरीन कहां जाना पसंद करता है, एक्सियल पोजीशन पे,
ऊपर चला गया नीचे चला गया, लेकिन अब मेरे पास तीन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन बच गया, तो अब वो बचा हुआ फ्लोरीन अपना मन मार के गुस्सा करके टेंशन लेके कहां जुड़ेगा, साइड में। अब इसके बाद सीटी बजेगी और बचे हुए दो क्लोरीन इधर साइड में आके जुड़ जाएंगे। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर ये वाला फ्लोरीन का बॉन्ड मोमेंट ये वाला फ्लोरीन कैंसिल कर देगा, ठीक, और ये तीनों क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस केस में म्यू बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो ये वाला तो इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये दो का तो सेम है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, तो ये पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा और यहां म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ज्यादा पोलर कौन होगा, PF3Cl2। समझ में आया भैया क्या कहानी कैसा है, ठीक। इतना नोट करेंगे, मैं एक रूल है शब्दों में भी लिखाऊंगा, पहले नोट कर लो, और जब हो जाएगा तो PCH3 होल ट्वाइस CF3 होल थ्राइस और PCH3 होल थ्राइस CF3 होल ट्वाइस, इसको कंपेयर करके देंगे किसका ज्यादा है, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का। चलो किसी कुछ पूछना पूछ लो अभी भैया, नोट करो। एक भैया पूछ रहा है सर कब मिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये कैसे पता चलेगा, यही वाले केस है बस, ठीक है। और जो sp3d है ये मिक्स्ड होता है, ठीक। अभी तक के जो अपन पढ़ रहे थे उसमें सारे साइड एटम सेम होते हैं, यहां साइड एटम डिफरेंट हो गए, जैसे PCl5 पढ़ा अपन ने तो पांचों Cl है तो कहीं भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, PF5 पढ़ा पांचों फ्लोरीन है कहीं भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा इसलिए आया, ठीक है। अगला वाला देखो, अब इसमें भी फास्फोरस अपनी बाहें फैलाए खड़ा हुआ है दोनों जगह ऐसे करके। अब मेरे पास क्या क्या लगा है, मेरे पास में दो है CH3 और CF3, कौन है गुंडा राज, मतलब गुंडा कौन है यहां, CF3 बड़ा होगा मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो पहले जुड़ेगा, तो यहां पर तीन CF3, ये बना रहा हूं मैं PCH3 होल ट्वाइस CF3 होल थ्राइस PCH3 होल थ्राइस CF3 होल ट्वाइस, ये बनाने जा रहा हूं, ठीक है। अब भैया CF3 पहले जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, ऊपर, और कहां जुड़ेगा, नीचे, एक बच गया, एक को कहां जोड़ेंगे, कहीं भी जोड़ दो, यहां जोड़ दे रहो, बाकी बचे में CH3 और CH3। बोलो भैया म्यू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो क्या नजर आ रहा है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बहुत बढ़िया रिया, वेरी गुड। अगला वाला, दो CF3 है तो पहला CF3 ऊपर दूसरा CF3 नीचे यहां चला जाएगा, और तीन CH3 तो पहला CH3 यहां दूसरा CH3 यहां तीसरा CH3 यहां, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सबके सब, और यहां म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, जीरो, फर्स्ट वाला नॉन जीरो मतलब फर्स्ट वाला ज्यादा होगा। इस रूल को देने वाले साइंटिस्ट जो है वो बचपन में बिस्तर से गिर गए थे, अब बचपन में बिस्तर से गिर गए थे उनकी रीढ़ की हड्डी, मजाक नहीं कर रहा हूं सीरियसली, है ना, बचपन में बिस्तर से गिर गए थे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो घर वालों ने, वो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थोड़े टेढ़े हो गए थे, तो घर वालों ने उनका नाम रख लिया बेंट, और उन्होंने रूल दिया, ये रूल को कहते हैं बेंट्स रूल, बेंट्स रूल, ठीक। क्या कहता है बेंट्स रूल, लिखेंगे भैया ये तो बहुत इजी था यार, क्यों ऐसा नहीं बना तुमसे भगवान जाने, खैर बेंट्स रूल लिखेंगे, बेंट्स रूल क्या कह रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट tries to get bonded more electronegative element tries to get bonded to the orbital having lesser p character lesser p character
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाके जुड़ना चाहता है, ऐसे ऑर्बिटल में जुड़ना चाहता है जहां का पी कैरेक्टर क्या हो, कम हो। क्यों पी कैरेक्टर, लेसर क्या बोला, पी कैरेक्टर, लेसर एस कैरेक्टर कर देना, गलती से मेरे से पी निकल गया, लेसर एस कैरेक्टर कर देना, एस कर देना, सॉरी भैया, लेसर एस कैरेक्टर। क्यों एस कैरेक्टर कम होने से क्या होगा, एस कैरेक्टर कम होने से उसको इलेक्ट्रॉन खींचने में आसानी होगी, और एस कैरेक्टर कम कहां होता है, एक्सियल में, ये ध्यान रखना, ऊपर और नीचे, क्योंकि वहां पीडी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। और इतना भी नहीं याद रख पा रहे हो तो इतना याद रख लेना कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको ऊपर और नीचे यहां से जोड़ना शुरू करते हैं, ऊपर रखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर जुड़ेगा, बड़ा आदमी ना ऊपर जुड़ेगा, ऐसे कुछ करके याद रख लेना। तो यहां पर CF3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एस कंपेयर टू CH3, इसीलिए इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, इसको इसको नीचे रखा, ठीक है जी, समझ आ गया। चल तो ये हो जाएगा, ये रहा डायपोल मूवमेंट, इसको ध्यान रखना, डायपोल मूवमेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहीं पर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है कि किस किस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट है या परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं है, वो परमानेंट का कोई अलग मतलब नहीं है, परमानेंट का मतलब है डायपोल मूवमेंट किसके पास है और किसके पास नहीं है, ये पूछ रहा है सीधा सीधा। एक टेम्पररी डायपोल भी होता है जो बाद में पढ़ोगे, वो अलग चीज है, परमानेंट डायपोल मतलब डायपोल कुछ क्वेश्चनों में मिल सकता है आपको कि भाई किसके पास परमानेंट डायपोल है, परमानेंट डायपोल नहीं, वो मतलब डायपोल है और डायपोल नहीं है, यही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है। चल तो ये हो गया भैया, आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे भैया, नया टॉपिक पढ़ रहे, डायपोल मोमेंट हो गया, इसके क्वेश्चन लगा लेना आज। देखो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं जितने होने चाहिए, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन, जितने होने चाहिए उससे कम, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन है उनको अपन क्या है, वो गाड़ी बनने दी थी ना, बीच में बता रहा था मैं, दोस्त खराब कर लाया था, तो उसका इंश्योरेंस का क्लेम भी करना है कुछ, तो उसका कागज पत्तर मांग रहा है, मैं देना ही भूल जाता हूँ रोज, वो बेचारा बोल रहा है भैया कागज दोगे तो काम शुरू करूंगा, बिना कागज के कैसे करूंगा। हाँ तो जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, जिनके पास 8 से कम है, कमी है, उनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बड़े इत्मीनान से देखना, बढ़िया टॉपिक है ये, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है BH3, इसका नाम है बोरेन, क्या बोलते हैं इसको, बोरेन। BH3 में सेंट्रल एटम कौन होगा, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन 2 और 3। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों से एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, ठीक, ये बन गया BH3। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं काउंट करो जरा, इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, होने कितने चाहिए थे 8, हो कितने रहे 6, इसको अपन लोग बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर करने के लिए एक काम करता है, ये करता है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन का मतलब क्या है, डाई यानी दो, दो यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइमराइजेशन, यानी दो BH3 आपस में जुड़ जाते हैं। जब दो BH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बना लेता है B2H6, डबल कर दो उसका, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। ये केमिस्ट्री में एक बहुत रिस्पेक्टेबल मॉलिक्यूल है, बहुत इज्जत है इसकी, क्यों इज्जत है, काम इसके वैसे ही है, फेमस बहुत है, काम तो कोई खास नहीं, फेमस बहुत है डाइबोरेन। क्या होता है अब इसके अंदर, देखो इसके अंदर एक बोरॉन, ये पहला BH3 और ये वाला दूसरा BH3, ये बन गया दो BH3 आपस, साइड साथ में आके खड़े हो गए,
अब इनको चिपकाना है, चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई बॉन्ड वॉन्ड बनाना पड़ेगा चिपकाने के लिए, बॉन्ड वॉन्ड बनाना पड़ेगा, और बॉन्ड बनाने के लिए भाई ये दोनों को चिपकाना ना कुछ तो चाहिए, फेविकॉल गम कुछ तो चाहिए, तब तो चिपकेंगे नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे। और अपने आप फेविकॉल से तो चिपका नहीं सकते, बॉन्ड से चिपकाएंगे, और अपने आप बॉन्ड चाहिए, और बॉन्ड के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो कैसे चिपकाया जाए, बहुत तकलीफ, परेशान हो रहे हैं बेचारे। एक मूवी आई थी, शायद आपने नाम सुना हो, बहुत फेमस अंग्रेजी पिक्चर, जिसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक नाम सुना हो, वो वाला सीन है जिसमें ऐसे वाला है ना, हर कोई आजकल हर शादी में ऐसा जरूर होता है, एक तो सीन ऐसा फोटो खिंचाना पड़ता है, नहीं तो पंडित जी मना कर देते हैं, बोले शादी नहीं कराएंगे जब तक दूल्हा दुल्हन ऐसे फोटो नहीं खिंचाएंगे तब तक के, है नहीं। वो पिक्चर आई थी टाइटैनिक, लास्ट का आपको अगर ध्यान हो उसमें, तो उसमें लास्ट में जो है हीरोइन जो थी, जेन नाम था, पता नहीं जो भी नाम था, एक्स वाई जेड हीरोइन, वो हीरोइन जो है वो बच जाती है, मतलब वो दोनों पानी में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, उनको मिलता है पानी के अंदर एक लकड़ी का फट्टा, समझ लो फट्टा, लकड़ी का एक ऐसा प्लैंक ऑफ वुड मिलता है, और प्लैंक ऑफ वुड में वो लड़की जो है, वो लड़की बैठ जाती है ऊपर, लड़का उसको बैठा देता है, लड़का नीचे तैरता रहता है, तैरते तैरते ठंड के मारे तैरते तैरते थक जाता है, और थक जाता है जब तो बेचारा फाइनली मर जाता है, लड़का मर जाता है, लड़की जी लेती है, यह उसकी एंडिंग थी। मैं नहीं बोल रहा कि वो उन्होंने जो किया गलत किया सही किया, जैसे मेरे क्या करना है, बस मैं एक अल्टरनेट एंडिंग सजेस्ट कर रहा हूं। ऐसा भी तो कर सकते थे कि वो थक के मरा बेचारा, है ना, थक गया था वो वहां पर तैरते तैरते, और ना बहुत ठंड थी, ठंड में भी थक गया था, बॉडी की एनर्जी यूज हो जा रही थी, अगर उसको थोड़ा आराम करने मिल जाता तो शायद वो जी जाता। तो ऐसा आई एम जस्ट सजेस्टिंग, ये नहीं कि आप पहुंच गए हो स्टीवन स्पीलबर्ग के पास, बोले मोहित सर बोल रहे हैं ऐसा है, तमाशा करने का नहीं, मैं सजेस्ट कर रहा हूं बस। तो मैंने ऐसा सजेस्ट किया कि मान लो ऐसा होता कि भाई जैसे एक ही फट्टा था इनके पास, मैं जानता हूं एक ही फट्टा मिला, दूसरा फट्टा मिला नहीं, वो फट्टे की उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि दोनों ऊपर चढ़ सकते, नहीं फट्टा डूब जाता, एक ही आदमी का कैपेसिटी था मैं मानता हूं, लेकिन ये दोनों तो बहुत प्यार करते थे ना, लड़का ही प्यार करता था कि लड़की से, लड़की नहीं करती थी उससे, है भाई, अगर लड़की बैठी ऊपर थोड़ा देर आराम वाराम कर ली, बढ़िया, गीले देखो दोनों ही हो गए थे, क्योंकि आप ना पानी में गिरोगे गीले हो ही जाओगे, ठंडे तो दोनों ही हो गए, लड़की बैठी थोड़ा देर ऊपर 15-20 मिनट बैठ के थोड़ा हाथ वाथ रगड़ के गर्म हो जाती, बढ़िया, उसके बाद फिर वो अपना नीचे आ जाती, लड़के को ऊपर चढ़ा देती, लड़का 15 मिनट बैठे रहता, फिर वो नीचे आ जाता लड़की ऊपर, मतलब ये समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके ये लोग करते तो शायद मेरे ख्याल से दोनों थोड़ा ज़्यादा समय हो पाता, उतने देर में शायद बचा लिए जाते, तो बेचारा लड़का बच जाता, लेकिन लड़की को उतनी अक्ल नहीं आई और लड़का जो है भोलेपन में मर गया बेचारा, है ना। तो ये प्रॉब्लम, वो पिक्चर इन्होंने भी देखी, इन्होंने, ये दोनों डूब रहे हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों डूब रहे हैं, तो दोनों ने बैठ के एक दिमाग लगाया, बोले एक काम करते हैं, थोड़ा देर एक जन फट्टे पे चढ़ जाएगा तो दूसरा ठंडी में ठिठुर लेगा, थोड़ा देर बाद दूसरा फट्टे पे चढ़ जाएगा तो पहला ठंडी में ठिठुर लेगा, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ये बात ये सजेस्ट कर रहा है। इसको समझ में नहीं आई, बोले क्या बोल रहा है भाई तू, ये बॉन्ड चाहिए, तू कहाँ ठंडी वंडी पानी वानी फट्टे वट्टे की बात कर रहा है। बोले नहीं देख, मैं ये बोल रहा हूं, मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा देर एक काम कर, इसको तू रख ले और तू इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना ले। तो ये बोल रहा है मैं तो बॉन्ड बना लूंगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएंगे तो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैं तो फट्टे के ऊपर आ गया लेकिन तेरे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तू तो फट्टे के नीचे चला गया। तो ये बोलता है नहीं नहीं घबरा नहीं, थोड़ा देर, थोड़े देर के बाद तू मेरे इलेक्ट्रॉन तो मेरे को वापस दे ही देना, साथ में तू अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी देना मेरे को, और जब तू ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं यहां बॉन्ड बना लूंगा, और जब मैं यहां बॉन्ड बना लूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, थोड़ा देर मैं स्टेबल तो तू अनस्टेबल, थोड़ा देर तू स्टेबल तो मैं अनस्टेबल, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अपन लोग अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, क्योंकि और तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अपने पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं। तो ये लोग कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड है? यही 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कभी तो इन दोनों के बीच पाए जाते, कभी ये इन दोनों के बीच पाए जाते, यहां से वहां घूमते रहते हैं।
वैसे ये दो इलेक्ट्रॉन कभी इन दोनों के बीच पाए जाते हैं, कभी इन दोनों के बीच पाए जाते हैं, यहां से वहां घूमते रहते हैं। जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं उनमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दो एटम के बीच में पाए जाते हैं, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, लेकिन ये कभी यहां है कभी यहां है कभी यहां है कभी यहां है, एक दो और तीन सेंटर के बीच पाए जा रहे हैं। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। समझ में आया भैया, इसका नाम है। ऐसे यहां कितने बॉन्ड होते हैं टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर वाले, दो, ये और ये दो। ठीक, समझ में आई बात। इस वजह से क्या होता है, थोड़ा समय ये स्टेबल हो जाता है तो ये अनस्टेबल रहता है, थोड़े दूसरे टाइम ये स्टेबल हो जाता है तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक, ये वाला जो बॉन्ड है इसका साइंटिस्टों ने थोड़ा ऐसा ड्रॉइंग टाइप का बनाया तो उनको कुछ इस टाइप का ड्रॉइंग दिखा, है ना, ये इस टाइप। ठीक, ये वाला मॉलिक्यूल इसको बोल रहा था बॉन्ड बना, ये मना कर रहा था, बोले ये सब क्या है ये नहीं बनाऊंगा। तो ये इधर से बोल रहा है बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, क्यों नहीं बना रहा, बनाना बॉन्ड, मतलब उसको बोल रहा है बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। तो ऐसे बोल रहा था तो साइंटिस्टों ने इसका नाम रख दिया बनाना बॉन्ड, मतलब ऐसे नहीं रखा बनाना बॉन्ड, ये जो बना है ना शेप ये बनाना के जैसा दिख रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया बनाना बॉन्ड। ठीक, ध्यान रहा, नाम याद रखना बनाना बॉन्ड या टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। ठीक है, परीक्षा में क्या पूछता है, परीक्षा में हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। ये वाले के अंदर देखोगे आप तो ये वाले के अंदर आपको एक दो और तीन सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, लोन पेयर है ही नहीं, टोटल तीन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल, कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन ये यहां से जब ये बनाता है तब बताओ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, यहां से जब ये बना लिया तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर हुई कि नहीं हुई, सोचो। क्या मालूम सर, भगवान जाने, हुई कि नहीं हुई सोचो, अभी भी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि अभी जिस समय ये वाले हिस्से के पास आठ इलेक्ट्रॉन है उस समय ये वाला हिस्सा चार ही इलेक्ट्रॉन रख रहा है, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन हो गए लेकिन इसके पास चार है, थोड़े समय के बाद ये दे देगा तो इसके आठ हो जाएंगे लेकिन इसके चार रहेंगे। हमेशा मॉलिक्यूल का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहेगा, दूसरा हिस्सा स्टेबल हो जाएगा। एज अ होल मॉलिक्यूल देखोगे तो मॉलिक्यूल अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस मॉलिक्यूल इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फायदा क्या हुआ, थोड़े समय का फायदा इसको हो गया, थोड़े समय का फायदा इसको हो गया, पहले दोनों ही हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, अभी कभी कभी एक हिस्सा डेफिशिएंट रहता है, दूसरा स्टेबल रहता है, दूसरा डेफिशिएंट रहता है तो पहला स्टेबल रहता है, ऐसा चल रहा है मामला। अब पेपर में इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो यहां सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा और ये चौथे को भी सिग्मा काउंट करते हैं तो इसके पास में चार सिग्मा हो गए, चार सिग्मा जीरो लोन पेयर, चार सिग्मा जीरो लोन पेयर हो गए, टोटल हो गया फोर। हाइब्रिडाइजेशन होती sp3 और sp3 कैसा होता है, sp3 होता है टेट्राहेड्रल। अब बताओ टेट्राहेड्रल एक प्लेन में होता है क्या, ट्राइपॉड स्टैंड जैसा होता है, एक प्लेन में होता है क्या, नहीं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर, कैसा है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है। तो पूछता है कौन कहां है ये बताओ करके, तो इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत फेमस है, ये बोरॉन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये बोरॉन, ये एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, ये चारों जो है ये एक प्लेन में पाए जाते हैं, एक प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसको ऐसा इमेजिन करो बाहर निकला हुआ, यहां पर बोरॉन, इस कोने में, चारों कोने में हाइड्रोजन, ये वाले, और ये जो बीच वाले हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन HB के नाम से मशहूर है, ये पाया जाता है अबव द प्लेन,
अबव द प्लेन, मतलब ये चारों पाए जाते हैं, ये ऐसा है ना, एक बोरॉन यहां, एक बोरॉन यहां, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसा कर लो, ऐसा सीधा 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 कहीं नहीं दिख रहा, सीधा। अब ये वाला जो है ये ऐसा हो गया, ये वाला ऊपर पाया जाता है अबव द प्लेन, और एक जो है वो नीचे पाया जाएगा एच बी, दिस इज बिलो द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, इसको ध्यान रखना, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ठीक है जी। ये वाले हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं टर्मिनल, और इनमें बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, ब्रिजिंग, दिस इज ब्रिजिंग, हाइड्रोजन एटम दो के बीच ब्रिज के जैसा काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है, कोने में लगे, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड बोलते हैं, ये याद रखना है, बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये याद रखना है, नॉन प्लेनर होता है, ये याद रखना है, इतनी बातें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्र बनाओ और इमेजिन करके ना, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसको मैं मान रहा हूं बी, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसको मैं मान रहा हूं ए, ए और बी। आप मेरे को बॉन्ड लेंथ कंपेयर, बॉन्ड की लंबाई कंपेयर करके बताएंगे ए और बी में कौन बड़ा है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलो पहले इतना नोट करो और इसको कंपेयर करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बता भाई, वो बॉन्ड तो है ना, पहला बॉन्ड तो ये वाला हो गया, दूसरा बॉन्ड ये वाला हो गया, तीसरा बॉन्ड ये वाला हो गया, और चौथा बॉन्ड ये है ना, तीसरा और चौथा, इसको भी सिग्मा काउंट करेंगे। हाँ भैया इधर आ जाओ। अब बी और ए में से बड़ा कौन सा होगा, पूछा गया बी और ए में से बड़ा कौन सा होगा, तो एक भाई का जवाब है बी बड़ा होगा, जो कि बिल्कुल सही है, दिख भी रहा है बी की लंबाई ज्यादा है। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो, ये एक प्रॉपर बॉन्ड है, ए वाला प्रॉपर बॉन्ड है, जबकि बी वाला कभी इधर कभी उधर, तो ये वीक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड वीक होगा तो इसकी लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी ना, वीक बॉन्ड होगा तो लंबाई ज्यादा होगी। तो यहां लिख लेना ए जो है उसकी लंबाई कम है और बी की लंबाई ज्यादा है, ठीक है, बी की लंबाई ज्यादा है। ये वाला एक प्रॉपर बॉन्ड है और ये वाला वीक बॉन्ड है। अब मेरे को कराना है हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, मतलब हाइड्रोजन को बदल का, हाइड्रोजन को बदलना है किसी चीज से, मान लो CLVL लगाना है, हाइड्रोजन को बदलना है। तो हाइड्रोजन को बदलने के लिए मेरे पास दो हाइड्रोजन है, एक है टर्मिनल और एक है ब्रिजिंग। सवाल सुनना, एक है टर्मिनल और एक है ब्रिजिंग। टर्मिनल वाले के पास प्रॉपर बॉन्ड है, इसके पास आधा आधा बॉन्ड है। किसको सब्स्टिट्यूट करना, किसको बदलना आसान होगा, टर्मिनल को या ब्रिजिंग को, किसको बदलना आसान है, टर्मिनल को या ब्रिजिंग को, सोचो। तो क्यों ऐसा हो रहा है, आप लोग बोल रहे टर्मिनल को सब्स्टिट्यूट करना आसान है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रिजिंग वाला तो वीक है, तो मेरे हिसाब से ब्रिजिंग वाला वीक है, इसको तोड़ के बदलना आसान होगा, जबकि ये तो स्ट्रांग है, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। ब्रिजिंग को अगर मैं यहां से हटा देता हूं तो मेरे को यहां और यहां दो तरफ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, डबल मेहनत है। टर्मिनल को बदलने के लिए मेरे को एक ही तरफ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन ही है जो ये दोनों मॉलिक्यूल को आपस में पकड़ के रखा है, ये पूरा मॉलिक्यूल बनने का कारण ही ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मॉलिक्यूल इसको छोड़ना नहीं चाहेगा, समझ में आ रही बात है ना। तो लिखेंगे भैया ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नीचे लिखेंगे ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड फर्स्ट बिकॉज टू सब्स्टिट्यूट ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स, बिकॉज टू सब्स्टिट्यूट ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैपिंग फ्रॉम टू साइड्स मस्ट बी ब्रोकन।
इसको ध्यान रखना, ओवरलैपिंग फ्रॉम टू साइड्स मस्ट बी ब्रोकन, दो तरफ से ओवरलैपिंग ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी, समझ आ गया, ये हो गया। ये पहला मॉलिक्यूल था जिसके साथ जिंदगी में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बोर्ड पर लिखी हुई एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कितने टू इलेक्ट्रॉन्स थ्री सेंटर बॉन्ड है, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। कितने बनाना बॉन्ड है, दो। कितने टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड है, चार, एक दो तीन चार। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम एक प्लेन में होते हैं, तो एक दो तीन चार पांच छह, छह एटम एक प्लेन में होते हैं। कितने अबव द प्लेन होते हैं, एक। कितने बिलो द प्लेन होते हैं, एक। ये सारी बातें पूछ सकता है। ठीक है, चलो ये पहला था जिनका हो गया, वो लोग बनाएंगे अगला। अगला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नंबर टू इज BF3। बनाओ भैया BF3, मैं मिटा रहा हूं जब तक के। BF3 बन गया होगा, BF3 सेंट्रल एटम बोरॉन, जिसके तीन हाथ, एक दो तीन, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन इधर, एक और फ्लोरीन इधर। ठीक, टोटल हो रहे छह इलेक्ट्रॉन, तीन सिग्मा जीरो लोन पेयर, टोटल थ्री, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्रायगोनल प्लेनर है। कैसा है, ट्रायगोनल प्लेनर, डन। यहां तक क्यों क्यों हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, छह इलेक्ट्रॉन है, कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। किसके जैसा दिख रहा है, b2h6 या bh3 के जैसा है ना, वही तो bh3 bf3, क्या अंतर है, h की जगह f लग गया, इतना ही तो अंतर। तो ये bf3 के बोरॉन ने देखा कि BH3 वाले लोग जो हैं वो लोग बना रहे बनाना बॉन्ड, कुछ अलग कर रहे हैं, इसके पीछे किया उन्होंने। इसके भी मन में आया, इसके भी मन में आया, तो ये जो है ये वाला बोरॉन सेंट्रल एटम है ना, कंट्रोलर यही है, तो ये जो है एक और मॉलिक्यूल के साथ आकर के खड़ा हो गया ऐसे करके, और इस वाले फ्लोरीन को बोल रहा है, ये वाले फ्लोरीन को, कि जा उधर बॉन्ड बना ले करके, और बनाना बॉन्ड बनाएंगे अपन करके। तो ये फ्लोरीन बोल रहा है क्या है, क्या बनाना, बनाना बॉन्ड, और कुछ नहीं बचा है मेरे पास, बनाना बॉन्ड बनाऊंगा। तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हें क्या लगा बनाना बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, कोई बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल बॉन्ड है क्या दुनिया में, नहीं। वो तो बेचारों को फट्टा नहीं मिला, तो कभी इधर कभी उधर, कोई मजबूरी में बना है बेचारा बॉन्ड, कोई ढंग का बॉन्ड नहीं। और ये कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन है, फ्लोरीन इज द किंग ऑफ नॉन मेटल्स, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, ऐसे छोटे मोटे काम करते नजर आएगा क्या मजबूरी वाले, नहीं। फ्लोरीन ने मना कर दिया, ये वाले बोरॉन को आंख दिखाई, बोले भाग से जल्दी भाग, इसको भगा दिया, इसको, ये भाग गया। अब ये वापस वो अपनी पुरानी स्थिति में आ गए। अब ये रो रहा है, ये उसको देख रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया, बोले यार मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ किया था कि थोड़ा बहुत बन जाए मामला, थोड़ा देर मैं स्टेबल हो जाऊं, थोड़ा देर अनस्टेबल होके चला लूंगा काम, तो तूने अपनी दादागिरी दिखा दी, मना कर दिया, उसको भगा दिया, तेरे को अपना ईगो लग रहा है, बोले ऐसे थोड़ी ना होता है यार करके। तो फ्लोरीन ने बोला क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, तू मेरे साथ जुड़ा है, तू भाई है मेरा, से नीचे देख के बोल रहा है ये वाला फ्लोरीन उसको, क्या हो गया, क्यों रो रहा है। तो वो देख के बोल रहा है, अरे यार मेरे पास छह इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास तो बढ़िया, देख तेरे पास एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तेरे पास पूरे आठ इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास छह ही हो रहे, मैं परेशान हो रहा हूं करके उसको बोल रहा है बार बार। तो अब ये बोला कि देख यार तू हमारे साथ जुड़ा है, हम लोग फ्लोरीन लोग हैं, बड़े लोग हैं, चिंता मत कर, तेरा कुछ ना कुछ कर देंगे, तेरे को हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल के जोश जोश में आ गया। अब जब जोश जोश में आया फ्लोरीन, अब फ्लोरीन की मार्केट में इमेज कैसी, फ्लोरीन की मार्केट में इमेज है ये लोगों के इलेक्ट्रॉन छीनता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बोरॉन को क्या कमिट करा है कि मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा। अब ये बात जो है, ये बोल तो दिया जोश जोश में, तो ना अपन हीट ऑफ द मोमेंट में बोल जाते हैं कोई कोई बात, बोल दिया, बोले मैं कर दूंगा, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, ऐसे बोला है, मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन, चिंता मत कर, अभी बोल दिया। बाद में सोच रहा है, अभी मैं इसको अगर इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मार्केट में तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे को तो लोग जिस काम से जानते हैं कि मैं लोगों के इलेक्ट्रॉन छीनता हूं, वो तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करेगा।
मैं दे ही नहीं सकता। अच्छा ये बात ये इन दोनों को भी बोल रहा है ना, कैसे करूं करके। क्या करूं यार मैं, कैसे करूं। तो ये जो है दोनों बोले तू जान, तेरा काम है तू जान, हम क्या करें। बोले नहीं ऐसा नहीं, मैं देने को तो दे सकता हूं अपना लोन पेयर, और मैं दूंगा भी अपना लोन पेयर ये वाला, लेकिन मैं हमेशा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोगों के पास भी है लोन पेयर्स, तुम भी तो फ्लोरीन हो, और नाक खराब होगी तो सबकी खराब होगी। तो थोड़ा देर मैं दूंगा, थोड़ा देर ये साइड वाला जो है ये मोटा वाला फ्लोरीन ये देगा, और थोड़ा देर इसको बोल रहा है तू देना, तू देना। थोड़ा 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 मैं दूंगा, थोड़ा तू दे, थोड़ा उससे दिलवाएंगे, तीनों मिलके थोड़ा थोड़ा दे देंगे। जब अपन इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे तो इसके पास छह है, दो इलेक्ट्रॉन अपन दे देंगे, आठ हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, डायमर नहीं बनाएगा, डायमर नहीं बनाएगा तो जिंदगी का कंजट दूर होगा, वो भीख मंगाई हमसे नहीं होगी। तो याद रखना BF3 डू नॉट फॉर्म डायमर, ये डायमर नहीं बनाता, डू नॉट फॉर्म डायमर। BH3 फॉर्म्स डायमर, BF3 डू नॉट फॉर्म डायमर। ठीक, अब एक किस टाइप से हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, देखो इसका ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं मैं, जिसमें तीन फ्लोरीन जुड़े, तीन फ्लोरीन जुड़े, तीन फ्लोरीन हो, कभी इसके साथ डबल बॉन्ड है तो कभी नहीं है, डबल बॉन्ड है भी डबल बॉन्ड नहीं भी है। इसको बनाते हैं, एक बॉन्ड तो सीधा बनाते हैं, दूसरा बॉन्ड ऐसा डॉटेड बनाते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, कभी है कभी नहीं है, डॉटेड। वैसे ये वाली जगह में कभी है कभी नहीं है, इसको भी ऐसे डॉटेड बनाते हैं। ये वाली जगह में, ये वाली जगह में कभी है कभी नहीं है, इसको भी डॉटेड बनाते हैं, इसको बोलते पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ में आई बात। अब इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो भैया, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट देखूं तो 2s2 2p1 कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कितना बॉन्ड बना सकता है, एक, एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां भेज देगा, चूंकि इसको तीन बॉन्ड बनाने, तो ऐसे केस में आ जाएगा इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन यहां, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले बार पहला वाला बॉन्डिंग कर लेगा फ्लोरीन के साथ, तीन फ्लोरीन है, दूसरा वाला बॉन्डिंग कर लेगा फ्लोरीन के साथ, और तीसरा वाला भी बॉन्डिंग कर लेगा फ्लोरीन के साथ, ऐसा कुछ बनेगा। देखना बोरॉन एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और इसके पास ये वाला जो है, दिस इज अ वेकेंट 2p ऑर्बिटल, खाली पड़ा है, तो ये हो गया वेकेंट 2p ऑर्बिटल, ऐसा। ठीक, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, ये हो गया 2s2, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये वाला बॉन्डिंग में भाग लेगा, और ये दोनों क्या होंगे, लोन पेयर, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, लोन पेयर कहां में है, ये लोग 2p में। तो फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर होता है, ये है 2p वेकेंट। अरे यार जगह बहुत कमी यार दुनिया में, सही में आपके साथ तो है ही सर, इधर बना लेता हूं। यहां इसके पास क्या है, इसके पास वेकेंट 2p है, और इसके पास लोन पेयर है, काय में है लोन पेयर, 2p में, ऐसा बना दिया लोन पेयर, 2p लोन पेयर। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देगा।
कैसा बॉन्ड दिख रहा है, साइडवेज ओवरलैप है कि हेड ऑन ओवरलैप है? बोलो कैसा ओवरलैप नजर आ रहा है? साइडवेज है। और साइडवेज ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या पाई? तो यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा, पी और पी के बीच बना है, इसलिए इस बॉन्ड को नाम दिया गया पी पाई। पी पाई बैक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये बाद में बन रहा है, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। ये पूरा फिनोमिना बैक बॉन्डिंग कहलाता है। BF3 डू नॉट फॉर्म डाइमर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, काय के कारण? बैक बॉन्डिंग। अब इसको बैक बॉन्डिंग क्यों बोला गया? बैक बॉन्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉन्ड अपन दुनिया के सामने नहीं बना सकते, ये लोग फ्लोरीन की इज्जत घट जाएगी। बाद में बनाया, पीछे से बनाया, प्लेन के पीछे से बनाया, इसलिए इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। पी पाई बैक बॉन्डिंग, समझ में आया भैया? इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, कुछ हद तक तो कम हो ही जाएगी। ठीक, समझ आया क्या क्या है? इतना नोट करना, इनके भाई है BF3 का भाई, अब इजी हो गया मामला, अब उतना टफ नहीं है। BCl3, BBr3, Bi3, 5 मिनट उनको और पढ़ेंगे और फिर चलेंगे, पहले इतना नोट करो जल्दी से। चलो BF3 था, ऐसे ही अगला मॉलिक्यूल होता है BCl3, इसमें बोरॉन, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। यहां पर भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? यहां पर भी अभी भी अपने पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो भाई अब तो इसको पता चल गया कि बोले हैलोजन लोग दे सकते हैं। पहले तो डर रहा था कि हैलोजन लोग से कैसे मांगू, जब फ्लोरीन दे सकता है तो ये क्लोरीन व्लोरीन तो छुटपुटी होगा, इनको तो देना ही पड़ेगा, जब वो दे रहा है तो इनको तो देना ही पड़ेगा, कहीं नहीं गया, दे के रहेगा, ये लेके रहेगा इनसे। तो यहां पर क्या है, बोरॉन के पास में इसका वेकेंट 2p ऑर्बिटल है, जैसे पहले था, वेकेंट 2p ऑर्बिटल बोरॉन के पास है ना, वेकेंट 2p ऑर्बिटल बोरॉन के पास। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? थर्ड। फ्लोरीन में सेकंड था, इसमें थर्ड हो गया। और इसमें जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर काय में होगा? लोन पेयर कौन सा है? 3p में, क्योंकि पहले 2p में था, अब 3p में है। समझ में आई बात? साइज बड़ा हो गया। अब क्या प्रॉब्लम होगी? इमेजिन करो क्रिकेट खेल रहे हो छत पे, तुम लोग है ना, छत पे क्रिकेट खेल रहे हो, और वो कई छत ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्रिकेट खेला, बॉल उधर चले गई, कोई भी बच्चा जो है, एक ही दीवार है पतली सी छोटी सी, कोई भी बच्चा दीवार कूदेगा, जाएगा बॉल लेगा आ जाएगा, मेरे जैसा आदमी भी सेम लेवल पे। अब कई बार ऐसा होता है कि दोनों घर के बीच में थोड़ा सा 3-4 फीट का गैप होता है, और बॉल उधर चले गई, जाने व्यवस्था तो है मगर 3-4 फीट का गैप है, तो मेरे जैसा आदमी तो मना कर देता है। मेरे जैसा बच्चा जो होगा वो बोलेगा भैया हमसे ना हो पाएगा, हमें भले बैटिंग मत देना, हम नहीं जाएंगे बॉल लेने, हम नहीं जा सकते, हम मना कर देते। लेकिन कोई एक हैंडसम हंक होगा जो इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा होगा कि जैसे ही बॉल उधर जाए तो सब मेरी ओर देखें कि ये दुबला पतला फिट मास्टर बिल्कुल बढ़िया सुंदर सा लड़का है, ये बोलते ना उसको हीरो है, ये कूद के जाएगा और बॉल लेके आएगा। तो जैसे ही बॉल उधर जाती सब उसकी तरफ देखते हैं, बोलता है हाँ मेरी प्रजा मैं जा रहा हूं, ऐसे बोल के आशीर्वाद देके जाता है, एक दीवार पे खड़े होता है, उधर जंप लगाता है एकदम, लड़कियां सीटी बजाने लगती, तालियां बजने लगती, ओहो बॉल लेके आ, मेरे जैसा लड़का नहीं जाता, मना कर देता। जैसे जैसे लेकिन गैप बढ़ता जाएगा, जंप करने की टेंडेंसी कम होते जाएगी, गैप और बड़ा हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी गैप हो गया, बहुत बड़ा गैप हो गया। तो इसमें आप तभी जाओगे जब ऊपर किसी से मिलने जाना हो, बॉल वॉल लेने तो नहीं जाएगा, कोई खड़ी हो ऊपर तो भले लड़का चढ़ जाए पाइप पाइप लेके, वो बात अलग है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये जो लोन पेयर है ये 3p में, और ये लोन पेयर 3p में है, तो यहां जाने की टेंडेंसी, पहले अगर आप देखोगे BF3 में तो ये भी 2p का था, ये भी 2p का था, सेम लेवल था, जाने की टेंडेंसी अच्छी थी। अब ये जो जंप है ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा, यहां पर भी बैक बॉन्ड बनेगा, लेकिन इस बैक बॉन्ड को बोलते हैं अपन लोग पार्शियल बैक बॉन्ड, थोड़ा बैक बॉन्ड कमजोर हो गया। बात करते हैं अगले वाले BBr3 की, तो BBr3 के इसमें बोरॉन,
बी आर। बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल वही है 2p, लेकिन बी आर अब और आगे आ गया, 3p में था लोन पेयर, तो ब्रोमीन में कहां लोन पेयर होगा बेटा, वो लोन पेयर होगा 4p में। अब जंप करने की टेंडेंसी और कम हो गई और बॉन्ड जो है वो पहले से और वीक हो गया। आगे बात करते हैं BI3 की। तो अब है आयोडीन, आयोडीन और आयोडीन, इसका वेकेंट 2p में ही है, जबकि इसका जो लोन पेयर है वो काय में आ गया, वो आ गया 5p में, और बड़ा हो गया। तो अब जो जंप करने की टेंडेंसी है वो और कम हो गई, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं बोलूं बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सा बैक बॉन्ड सबसे अच्छा बना है, बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, तो सबसे अच्छा बैक बॉन्ड किस में बना, सोचो BF3 में या BI3 में, किस में बना, BF3 में सबसे अच्छा, उसके बाद बना BCL3 में, फिर बना BBR3 में, और फिर बना BI3 में, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग हुई BF3 में। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की, इस बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, सबसे ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग हुई BF3 में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले इस वाले BF3 के बोरॉन को, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, जबकि इसको उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाए, तो ये अभी भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BI3, फिर आएगा BBR3, फिर आएगा BCL3, और BF3 को अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो इतना भूखा नहीं होगा, ठीक। इसके बाद अगली चीज पूछता है पेपर में, लुइस एसिड स्ट्रेंथ। लुइस एसिड क्या होते हैं, लुइस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। फिलहाल के लिए इतना याद रख लेना, एक दो चैप्टर के बाद और आएगा डिटेल में। लुइस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास हाथ में है, मैं लेके आया इनके पास, चारों पास ऐसा गुजर रहा हूं लेके, आयोडीन सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देखेगा क्या होगा बोलो, टूट पड़ेगा और छीन के ले जाएगा, कौन, आयोडीन। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी नहीं है, इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आयोडीन कूद के इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कौन, BI3। तो सबसे अच्छा लुइस एसिड है BI3, उसके बाद है BBR3, उसके बाद है BCL3, और सबसे खराब है BF3। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लुइस एसिड स्ट्रेंथ वाला। आ गया समझ में, क्या बताना चाह रहा हूं मैं लुइस एसिड स्ट्रेंथ के बारे में, तो भैया फिर इसको नोट करो, और अब छुट्टी हो रही एक्चुअल में, ठीक है, तो नोट कर लो और फिर चले जाना, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में थोड़े से मॉलिक्यूल और बचे, उनको देख के खत्म करेंगे, चलो भाई।